गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट हिंदी. हमारे पोयम का नाम है मेरी गुड़िया. तो सभी को गुड़िया बहुत पसंद है. जब हम छोटे होते हैं तो हम गुड़िया से बहुत खेलते हैं. ज़्यादातर छोटी बच्चियाँ गुड़िया से बहुत प्यार करती है, गुड़िया के साथ खेलती हैं. ये जो पोयम है वो लिखी की है शास्त्री धर्मपाल ने. मेरी गुड़िया कुछ तो बोल, एक बार तू मुंह को खोल. मेरी गुड़िया कुछ तो बोल. जो छोटी बच्ची है वो अपनी गुड़िया को बोल रही है कि कुछ तो बोल. भूखी है तू कैसे जानू, प्यासी है ये कैसे मानू. अब मत कर तू टाल मटोल, एक बार तू मुंह को खोल. मेरी गुड़िया कुछ तो बोल. भूखी है तो बिस्किट लाऊ, पिस्ते वाली खीर खिलाऊ. बर्फी की भी लाऊ झोल, एक बार तू मुंह को खोल. मेरी गुड़िया कुछ तो बोल. प्यासी है तो पानी लाऊ, ठंडा शरबत तुझे पिलाऊं. कब तक रहेगी बनी अबोल, एक बार तू मुंह को खोल. मेरी गुड़िया कुछ तो बोल. हो, एक छोटी बच्ची अपनी गुड़िया से बहुत सारे सवाल कर रही है कि तुम कुछ तो बोलो. अगर गुड़िया को भूख लगी है वो बच्चे को कैसे समझ में आएगा, अगर गुड़िया नहीं बोलेगी तो उसको कैसे समझ में आएगा कि क्या खाना है. अगर एक बार बताया तो ये खाना वो मैं आपको खिला दूंगी, लेकिन गुड़िया बात कर सकती है क्या? नहीं. लेकिन जो छोटी बच्ची है वो अपने अड़पेज दी है कि गुड़िया कुछ तो बोले कि उसको खाना है, क्या पीना है. भूखी है तो क्या बिस्किट लाओ. अगर हमें भूख लगती है तो हम अपने मम्मी से जो खाना है वो हम बोलते हैं, मुझे ये दो मुझे वो दो. लेकिन जो छोटी गुड़िया है वो कैसे बात करेगी. बर्फी की भर लाऊ झोल, एक बार तू मुंह को खोल. मेरी गुड़िया अगर तुम्हें जो भी खाना है वो मुझे एक बार बता दो, मैं आपको बहुत सारा खाने के लिए दूंगी. अगर प्यासी है तो क्या पानी लाऊ, ठंडा शरबत तुझे पिलाऊ. कब तक रहेगी बनी अबोल, एक बार तू मुंह को खोल. मेरी गुड़िया कोई छोटी बच्ची अपनी गुड़िया से बहुत प्यार करती है, उसके साथ खेलती है और उसको कह रही कि अगर क्या तुम्हें प्यास लगी है, क्या मैं तुम्हें पानी दूँ, अगर पानी नहीं पीना तो क्या मैं आपको ठंडा शरबत दूँ. ऐसे बिना बोले मत रहे, अभी तो अपना मुंह खोल, एक बार बता दो कि तुझे क्या चाहिए. लेकिन गुड़िया बात कर सकती है क्या? नहीं. ये जो कविता की है शास्त्री धर्मपाल ने एक छोटी बच्चे के जरिए उसके मन की भावनाओं को बताया है कि छोटे बच्चे दिल से कितने अच्छे सच्चे रहते हैं, नादान रहते हैं. तो इसके बाद हम इस पोयम को अपने नोटबुक में लिखेंगे.